भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर पार्टी कार्यालय पर सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया तथा साथ ही एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसके संबंध में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने कहा कि जो आज विचारधारा है, उस विचारधारा को पूरे देश में मुकाम तक पहुँचाने के लिए अटल जी ने अपना पूरा जीवन निछावर किया। अटल जी एक युग पुरुष थे। अटल जी ने अपने जीवन का संरक्षण और शरीर का कण कण देश को समर्पित कर देने वाले राजनीति के संत थे। हमें अटल जी के विचारों व आदर्शों पर चलने के साथ साथ उनके जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि अटल जी का देश को शक्तिशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। पोखरण परमाणु परीक्षण से भारत को शक्तिशाली बनाया, यही उनकी देन है। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, अच्युतानंद शाही, रमेश प्रताप गुप्ता, डॉक्टर गिरीश पांडे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। ऐसे आदरणीय राजेश गुप्ता जी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का समिति सदस्य हैं। 1996 में, 1998 में और 1999 में तीन बार उनको सौभाग्य मिला है भारत के प्रधानमंत्री का, जिन्होंने देश का 4.5 साल के अंदर 1999 से 2004 के बीच में उन्होंने है। अभी बच्चा सीन नेता जो है देश में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, राजेश गुप्ता से मैं निवेदन करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय विनोद पांडे जी को है। इसी को महाराज के महामंत्री जो है श्री राष्ट्र सिंह जी माननीय अरे युद्ध बड़ी बात है जो उपाध्यक्ष रहे आदरणीय डॉक्टर दिग्विजय पांडे जी से मैं आग्रह करता हूँ आज आए माननीय मित्रों। अगर अटल हमें समय बहुत कम मिला है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कह रहा हूँ, अटल जी का जन्मदिवस है। अटल जी के अगर जन्मदिन अटल जी के अगर पूरे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक भाग से पढ़ेंगे तो उनके प्रति अन्याय होगा। के पटु और विशाल व्यक्तित्व, मृदुभाषी, तो ये दोनों में हमको मिलेगा, संगठन के रूप में भी। देखिए पार्टी स्वर्गीय सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाती है और जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को पूरे देश में ग्राह बनाने का, उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अटल जी ने अपना पूरा जीवन पूर्ण किया। प्रधानमंत्री भी एक बार तो 13 दिन के लिए बने, लेकिन दो बार वो, एक बार 13 महीना और दो बार 5 साल का, 4.5 साल का कार्यकाल मिला। और जो कुछ भी उन्होंने किया, जिस रूप में अटल जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है, वो आजाद शत्रु थे। पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, हर आदमी अटल जी को उतना ही प्यार करता था जितना हम लोग अटल जी को प्यार करते थे। सबके प्यारे थे पूरे देश के और पूरी दुनिया में उनका नाम था। और साथ इस देश में जो कुछ भी जिस रूप में अटल जी को देखा है, अटल जी की प्रेरणा पर यह पार्टी आगे भी हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में पूर्व योगी जी महाराज इस उसी रास्ते पर लेकर के पार्टी को चल रहे हैं। और निश्चित रूप से सुशासन लाने का जो दायित्व हिंदुस्तान की जनता ने और प्रदेश की जनता ने हमारे नेताओं के कंधे पर दिए है, उसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा कार्यकर्ताओं को यही निर्देश पहले से भी दिया जाता है, आज भी दिया जाता है कि हर कार्यकर्ता जनता के हितों की रक्षा के लिए या जनता की सेवा करने के लिए
जितना कुछ कर सकता है उसे लगातार करते रहना चाहिए और आसन्न चुनाव में हम फिर से इतिहास रचेंगे हिंदुस्तान की राजनीति में और उत्तर प्रदेश का उस इतिहास में सबसे बड़ा योगदान रहेगा। इसके लिए कार्यकर्ता पूरे प्राण पर से